एमएम स्कूल का जो सपोर्ट है विधायक की है, इनडायरेक्टली डर, इसी वजह से ये थोड़ा सा उछल बार बार वो हो रहा है और गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत। माड़ूमल स्कूल के संचालकों के द्वारा गुरुग्राम के सेक्टर 4 कम्युनिटी सेंटर की दीवार तोड़कर गेट खोलने का मामला संज्ञान में आते ही वायरल सर्च के द्वारा तत्परता से इस खबर को उठाया गया, जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने इस दीवार को बंद करवा दिया है। उर्वा संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी एसोसिएशन के सदस्यों की मौजूदगी में नगर निगम के जेई ने स्वयं मौके पर मौजूद रहकर इस दीवार को बनवाया है। ये तो काबिले तारीफ है कि प्रशासन के द्वारा तुरंत संज्ञान लिया गया, परंतु यहाँ सवाल ये है कि एमएम स्कूल के द्वारा जो ये गैर कानूनी रूप से दीवार तोड़ी गई उस पर क्या जुर्माना लगाया गया और इस दीवार को बनाने में जो लागत आई क्या उसे भी माड़ूमल स्कूल के संचालकों से वसूला जाएगा। जानकारों की माने तो इस स्कूल के संचालकों के द्वारा सरकारी रास्ते पर भी कब्जा किया गया है। इस मामले पर भी प्रशासन को तुरंत प्रभाव से संज्ञान लेकर जांच करने की जरूरत है और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो ना केवल उस जमीन को अवैध कब्जा मुक्त किया जाए बल्कि स्कूल के मालिक पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं धर्मसागर बोल रहा हूँ जी, उर्वा का प्रधान हूँ यहाँ सेक्टर 4-7 का। दीवार इन्होंने कोई 5-6 दिन पहले तोड़ी थी, अब फिर लोगों ने इतराज किया तो हमारा भी इतराज था, हमने पुलिस में रिपोर्ट भी करी है और कमिश्नर म्यूनसिपल कमिश्नर को भी बता के आए हैं। आज जेई यहाँ पर आ गए थे खुद, उन्होंने खड़े होके ये दीवार बनवाई है हमारे साथ और हम तो यही कहेंगे कि ये बहुत गलत बात है जो हो रही है स्कूल की तरफ से, एमएम स्कूल की तरफ से। जब सरकार ने भी ये कह दिया कि ये काम गलत है तो फिर क्यों करना चाहते हैं। और हमारी सेक्टर भी सारा पता, ये सारा कम्युनिटी सेंटर है हमारा, अगर इसमें से बीच में दीवार रास्ता बन जाएगा आम चीज़ हो जाएगी, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल कोशिश करेंगे अपने उर्वा की तरफ से, हम अगर देखेंगे नहीं मानते स्कूल वाले तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। मैं आरएस यादव सेक्टर 4 का निवासी हूँ। कोई लगभग 7-8 साल पहले भी इन्होंने इसी दीवार को तोड़ करके और कम्युनिटी सेंटर से जो सीधा रास्ता जा रहा है मार्केट की तरफ उसके ऊपर इन्होंने कब्जा करने का प्रयास किया था। तब भी सेक्टर के वासियों ने इनके ऊपर बड़ा सख्त ऐतराज़ किया था और इस ऐतराज़ के कारण से इन्होंने माफ़ी मांगी थी और दीवार को दोबारा अपने खर्चे पे बनवा दिया गया। अब हम चाहते हैं कि ये दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की है, ये बार बार हरकत कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं। मैं सुनील यादव सेक्टर 4 से, काफ़ी दिनों से ना पिछली आरडब्ल्यू में भी इन्होंने दीवार को तोड़ा था और जैसे हमारे राव साहब बता रहे हैं इन्होंने माफ़ी ना माफ़ी मांगा था और लिख के भी दिया था कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, बट इसकी पता नहीं क्या मनसा है स्कूल वाले की दोबारा इसको वो कर, ये बार बार इंक्रोचमेंट कर रहा है। आज भी हमने प्रशासन की मदद से ही, हमने खुद नहीं प्रशासन की मदद से, जेई हमारे साथ रहा है और उसकी मदद से ही हमने दीवार को कम्प्लीट किया है। अभी हमें तो मिल रहा है कि हम कोर्ट में जा रहे हैं 22 तारीख को स्टे, बस स्टे आज तक तो हमें मिली नहीं है, इनको मिली तो स्टे सरकारी ज़मीन पे, ये मतलब सरकार की ज़मीन है, हमारी ज़मीन ना तो पर्सनली एमएम स्कूल वालों की है भाई, सरकार की ज़मीन है, तो एक अननेसेसरी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है और बार बार कर रहा है, क्यों कर रहा है ये नहीं पता। इसको कोई सरकार भाई मान लो कोई पॉलिटिकल इसको संरक्षण है क्या है, हमने पुलिस में कंप्लेंट की तो हमारे पास तो पुलिस एक बार भी नहीं आई, आज 3 बार पुलिस आ चुकी उनकी तरफ से, उन एमएम स्कूल वाले 112 पे कॉल करते हैं उनके, हमारे अगेंस्ट में 3 बार पुलिस आ चुकी है, तो ऐसा गलत है ना, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये पता नहीं हमें तो इसको कोई पॉलिटिकल सपोर्ट है क्या है, बार बार ऐसा कर रहा है, ये गलत है। एमएम स्कूल का जो सपोर्ट है विधायक की है, इनडायरेक्टली डायरेक्ट, इसी वजह से ये थोड़ा सा उछल बार बार वो हो रहा है ये और गलत हो रहा है, बहुत ज़्यादा गलत।